नैनीताल जनपद के हल्द्वानी में बीते कई दिनों से अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इस क्रम में गुरुवार को हल्द्वानी में मालिक के बगीचे इलाके में सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बनी मस्जिद और मदरसे को ध्वस्त किया गया। इस दौरान लोगों ने सरकारी टीम का काफी विरोध किया, जिससे मौके पर पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच झड़प भी हुई। वहीं कुछ लोगों ने पुलिस पर पथराव किया, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल भी हो चुके हैं। इसी बीच कुछ उपद्रवियों ने कई वाहनों में भी आग लगा दी। इलाके की स्थिति तनावपूर्ण है। शहर में बढ़ती हिंसा को देखते हुए जिलाधिकारी ने जिले में कर्फ्यू लगा दिया है। इसके साथ ही हल्द्वानी में सभी स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया गया है। वहीं उत्तराखंड के हल्द्वानी में बवाल के बाद यूपी बॉर्डर पर अलर्ट जारी किया गया है। यूपी से हर आने वाली गाड़ी पर नजर रखी जा रही है। जानकारी के मुताबिक इस हिंसा में एक प्रदर्शनकारी की मौत हुई है। वहीं दंगाइयों को सीधे गोली मारने का आदेश दिया गया है। इसके साथ ही इंटरनेट सेवा बंद किए जाने की सूचना मिल रही है। एक नोटिस दिया गया था जिसमें 3 दिन का समय संबंधितों को दिया गया। 3 दिन बाद जब इसको डिमोलिशन ड्राइव को पिकअप करने की कोशिश करी गई तो संबंधित व्यक्तियों ने कुछ अपने जो है केसेस के पेंडिंग के कागज दिखाए, जिनको डिस्पोजल करने के लिए कार्रवाई को रोक दिया गया और सभी लोगों को ये समय दिया गया था ताकि पूरी प्रक्रिया निर्धारित तरीके से कम्प्लीट किया जाए। किसी की भी जो कंप्लेंट है या ग्रीवेंस है उसको पहले रिड्रेसल कराया जाए, उसके बाद ही किसी प्रकार का एक्शन लिया जाए। तो ये हमने रिड्रेसल जो डिस्पोजल था प्रार्थना पत्र का वो आवेदन कर दिया है। उसके बाद जो पक्ष हैं वो माननीय उच्च न्यायालय में उनके द्वारा पेश करा गया। माननीय उच्च न्यायालय में आज हियरिंग के दौरान ये किसी प्रकार का जो रिलीफ है जो हमको नहीं दिया तो उसके बाद नगर निगम की मीटिंग तैयार थी तो उन्होंने डिमोलिशन ड्राइव शांतिपूर्वक तरीके से लड़ने की कोशिश करी। बिना किसी के प्रवोक करे, बिना किसी के भड़काए नगर निगम की टीम पर हमला करा गया। उसके बाद जो पुलिस की फोर्स की टीमें वहाँ लगी हुई थी उनके ऊपर भी हमला करा गया। पहले पत्थरों से हमला करने का प्रयास किया गया, जब पुलिस के द्वारा उसको कंट्रोल कर लिया गया तो पेट्रोल बम और जो डीजल वगैरह भर के बॉटलें फेंकी जाती हैं उसके द्वारा आगजनी करने की कोशिश करी गई। वाहनों को भी आग लगाई गई है और कुछ शासकीय निजी संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाया गया है। अभी हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि हल्द्वानी में जो शांति व्यवस्था है उसको हम लोग कायम करें और किसी भी प्रकार की जो जानमाल की क्षति है उसको वो बढ़े ना और कानून व्यवस्था शहर की। अभी क्या स्थिति मैम, कितने कैजुअल्टी या कितने लोग घायल हैं, किस तरह की सूचना? अभी यहाँ कैजुअल्टी के संबंध में आधिकारिक सूचना पुष्टि के उपरांत हम लोग आपको उपलब्ध करा पाएंगे। मैंने हॉस्पिटल्स में सुशीला तिवारी में भी और देश में भी दोनों जगह निरीक्षण किया है। 2-3 लोग हैं जो अभी जो है वॉच में रखे गए हैं। एक व्यक्ति अभी ICU में भी है और बाकी जो सामान्य इंजरी के लोग हैं उनको फर्स्ट एड वगैरह देते हुए उनको डॉक्टर्स के द्वारा रिलीज किया जा रहा है। हमने अभी मेडिकल की सभी टीमों को ये निर्देश दिए हैं कि किसी भी प्रकार की लापरवाही प्रभावित व्यक्तियों के इलाज में ना करी जाए और उनको जो भी यथासंभव बेस्ट उपचार है वो उपलब्ध कराया जाए ताकि किसी भी प्रकार का डैमेज जो है मानव शरीर का वो कम किया। कल के लिए भी कोई डायरेक्शन दिए गए हैं? कल हमने विद्यालयों को बंद किया है सुरक्षा के दृष्टिगत और कर्फ्यू का ऑर्डर हल्द्वानी सिटी के अंतर्गत किया गया है, सुरक्षा के दृष्टिगत किया गया है। मेरी अपील है सभी जनता से कि सब लोग अपने घरों में रहें, कोई भी अननेसेसरी बाहर ना निकले। अत्यावश्यक सेवाओं के लिए उसमें हल्द्वानी की सिटी मजिस्ट्रेट से संपर्क किया जा सकता है। किसी भी इमरजेंसी में अगर कोई व्यक्ति बाहर निकलना चाहता है तो यहाँ प्रशासन की टीमों से संपर्क कर सकते हैं, लेकिन अनावश्यक रूप से सड़कों पर ना निकले, अनावश्यक रूप से बाहर ना निकले।